न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तराखंड का क्षेत्रीय पार्टियों का अलायंस उत्तराखंड रीजनल पार्टी अलायंस सभी 5 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन दे रहा है। बता दें कि यूआरपी से जुड़ी 6 पार्टियों ने हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार को अपना समर्थन दिया। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। यूआरपी के प्रतिनिधि के लिए चुनाव जीतने के बाद जो सांसद उत्तराखंड और यहाँ के मुद्दों को देश को और आगे बढ़ाने के काम को संसद में उठाएगा, ऐसे उम्मीदवारों का क्षेत्रीय पार्टी अपना समर्थन देकर आगे मनोबल बढ़ा रही है। एक बड़ा जो वर्ग है वो पर्वतीय मूल का है, जैसे कि आप ऋषिकेश डोईवाला धर्मपुर की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड का ये जो अलायंस है दलों का, इस अलायंस से कहीं ना कहीं हमें लाभ जरूर मिलेगा। और मैं इस बात के लिए इनका स्वागत भी करता हूं कि हम जो हरिद्वार बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में स्वयं आगे बढ़कर इन लोगों ने समर्थन दिया है, वो वाकई में स्वागत योग्य है। उधम सिंह नगर स्थित नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारे के मुख्य सेवक तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी तरसेम सिंह की मौत पर शोक व्यक्त किया। हरिद्वार के स्वामी नारायण आश्रम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि किसी धर्मस्थल में हत्या होना बेहद दुखद है, तरसेम की मौत उसके लिए काफी कष्टकारी है। उन्हें पूरा विश्वास है कि पुलिस बहुत जल्द इसका खुलासा करेगी। गौरतलब है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वामी नारायण आश्रम के प्रमुख हरिवल्लभ दास शास्त्री से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। उनके बाद उन्होंने एक जनसभा में भी शिरकत की। अभी अभी दो चार पाँच मिनट पहले इसकी जानकारी मिली है। दुखद है और किसी धर्मस्थान में घुस करके जो ये हत्या हुई है ये काफ़ी कष्टकारी ये मेरे लिए है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी पुलिस उसका खुलासा करेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के प्रथम चरण में होने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बृहस्पतिवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान के समर्थन में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित कर चुनाव का आगाज किया। जिले के लाला जगदीश प्रसाद इंटर कॉलेज में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का माला पहनाकर राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वागत किया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए जहां मोदी सरकार की उपलब्धियां की जानकारी दी तो वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इंटर कॉलेज में आयोजित भाजपा के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में सैकड़ों वकील और डॉक्टर सहित मास्टर और बड़े उद्योगपतियों के साथ प्रबुद्धजन लोग और भाजपा कार्यकर्ता हजारों की संख्या में मौजूद रहे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर सहित शामली और सहारनपुर में मुख्यमंत्री के चीन चुनावी प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित है। भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। 14 जैसा माहौल है, 14 जैसा ही जीत होगी और 14 जैसा ही चुनाव है। कोई गांव में घुस नहीं रहा, ये तो जाति और धर्म के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। अलग अलग जातियों के निर्दलीय खड़े करके सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी। जनता बहुत समझदार है, जनता जानती है तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और जनता विपक्ष के चाले जानती है कि इस तरह से निर्दलीय उतारना या अलग अलग जातियों से खड़ा करना इसका मतलब क्या है। कानपुर में कमिश्नरेट पुलिस की एक भारी चूक सामने आई है जहां पुलिस अभिरक्षा से एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर रफूचक्कर हो गया। वहीं जानकारी के मुताबिक फरार सोनू उर्फ दयाल गैंगस्टर का आरोपी है। बता दें कि कानपुर गैंगस्टर कोर्ट में जेल से पेशी पर आया था, आरोपी फरार हो गया। अब कानपुर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं संबंध में एसीपी कोतवाली अर्चना सिंह ने बताया कि फरार आरोपी को सीसीटीवी कैमरों से तलाश किया जा रहा है, जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आज दिनांक 28 मार्च 2024 को एक अभियुक्त सोनू सिंह सन ऑफ गया सिंह जो गैंगस्टर कोर्ट में जेल से पेशी पर आया था वो फरार हो गया है। इस सूचना पे तत्काल कोतवाली पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं। सीसीटीवी कैमरे आदि से तलाश कराया जा रहा है, अभियुक्त की तलाश की जा रही है, वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस द्वारा खनन माफियाओं के ट्रैक्टर्स को पकड़े जाने का मामला सामने आया है। खनन माफिया द्वारा पत्रकार को वीडियो बनाने के बाद जान से मारने की धमकी दी गई। नूरपुर थाना क्षेत्र में खनन माफिया बेलगाम हो गए हैं। पत्रकार को धमकी देने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिजनौर के थाना नूरपुर इलाके का ही पूरा मामला। सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर में निजी बैंकेट हॉल में प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिला प्रशासन और पुलिस सीएम दौरे की तैयारियों में जुटा रहा। एसपी सिटी संजीव कुमार ने तैयारियों का निरीक्षण कर संबंधित को दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पुलिस लाइन के हेलीपैड पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में शिरकत की, बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी वार्ता की।
लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि राघव लखनपाल शर्मा को। दरअसल यहां पर राजनीतिक पार्टियों के नेता पूरे दलबल के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए सहारनपुर की, तो सहारनपुर में राघव लखनपाल शर्मा प्रत्याशी हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लगातार सहारनपुर में राघव लखनपाल शर्मा के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि सहारनपुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी पहुंचे थे, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ करीब देखा जाए तो इससे पहले भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं और लगातार प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील आम जनता से कर रहे हैं। सहारनपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के सहारनपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा की जीत को सभी का मंत्र दिया। आपको बता दें कि जनपद में राघव लखनपाल बनकर कार्य करें और राघव को जीत दिलाकर पिछली गलती ना दोहराएं, इस तरह की बातें लगातार की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को संबोधित करने सेठ गंगा प्रसाद माहेश्वरी सभागार पहुंचे। उपस्थित जनसमूह ने नारों से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी को सफल बनाने का आह्वान भी किया। हरिद्वार लोकसभा सीट पर 7 प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त कर दिए गए हैं। अब 14 उम्मीदवार हरिद्वार के लोकसभा मैदान में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि 30 मार्च को नामांकन वापस लेने का समय रखा गया है। अब इन 14 उम्मीदवारों में से कितने उम्मीदवार मैदान में चुनाव लड़ने के लिए उतरेंगे, 30 मार्च को फाइनल लिस्ट आ जाएगी। हरिद्वार लोकसभा सामान्य निर्वाचन में गुरुवार को नामांकन स्क्रूटनी के दिन हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर धीरज सिंह गब्रियाल के सामान्य प्रत्यक्ष लॉन्च सेहरा की मौजूदगी में नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जांच में 7 प्रत्याशियों के नामांकन में विभिन्न कमियां पाए जाने पर नियमानुसार उन्हें निरस्त कर दिया गया। नारकपत्ता कार सेवा डेरे के प्रमुख जत्थेदार बाबा तरसेम सिंह की सुबह 2 व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को नानकमत्ता डेरे में रखा गया, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए सभी पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और बाबा तरसेम सिंह के दर्शन कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाबा तरसेम सिंह के अंतिम दर्शनों से भावुक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नमाखों के साथ डेरा प्रमुख बाबा तरसेम को याद किया। मिल रही जानकारी के मुताबिक दर्शन के लिए रखे जाने के बाद आज तरसेम सिंह को डेरे के रीति रिवाज के अनुसार अंतिम विदाई दी गई। बहुत ही दुखद घटना है। बाबा तरसेम सिंह जी का इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बहुत यहाँ पर समाज सेवा की है, गरीबों के लिए अनेक प्रकार के काम सेवा के वो यहाँ पर संचालित करते थे। कहीं से भी किसी के सुराग जुड़े होंगे तो उनको खोजा जाएगा और उनको सही सजा जो देनी है कानून की, वो सजा उनको मिलेगी। बहराइच तस्करों के लिए स्वर्ग साबित हो रही भारत नेपाल की खुली सीमा। जी हां, 2 करोड़ रुपए कीमत की चरस के साथ नेपाली महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला के पास से 7 किलो 400 ग्राम चरस बरामद हुआ है। भारत नेपाल सीमा स्थित एसएसबी चेक पोस्ट से गिरफ्तारी हुई है। नेपाल राष्ट्रीय जिला रुकुम की महिला तस्कर सैपुरा बुद्ध बताई जा रही है। आपको बता दें कि एसएसबी ने थाना रुपिडिया में 8-20 NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। बहराइच भारत नेपाल सीमा स्थित रुपिडिया चेक पोस्ट का ही पूरा मामला है। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के डोरी नगर में अलीगढ़ के भाजपा सांसद और प्रत्याशी सतीश गौतम के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने हाथों में सतीश गौतम के विरोध पोस्टर लेकर सांसद विरोध नारे लगाए प्रदर्शन किया। महिलाओं के हाथों में लगे पोस्टर पर सतीश गौतम के फोटो पर क्रॉस का निशान लगा हुआ था। साथ ही मोदी योगी से बैर नहीं, सतीश गौतम की खैर नहीं भी लिखा हुआ था। वहीं इस तरह के पोस्टर और वीडियो क्षेत्रीय लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किए गए हैं। फिलहाल क्षेत्रीय महिलाओं द्वारा इस तरह के पोस्टरों को लेकर प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर वायरल पोस्टों को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चा है। फिलहाल इस तरह की वीडियो और पोस्टर्स को वायरल होने के बाद क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। झांसी के शहर कोतवाली अंतर्गत मानिक चौक में विवेक जैन और विनय जैन की आस्था सूट के नाम से कपड़े की दुकान है। उनके यहाँ सुशील गुप्ता नाम का व्यक्ति मुनीम है। सुशील गुप्ता के अनुसार सुबह वो अपने बैग में करीब 1.5 लाख रुपए लेकर पैदल जा रहा था। इसी दौरान नगरीय बाजार पर 2 लोगों ने उसे रोक लिया और कार्ड दिखाते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता चल रही है, उन्हें उसकी चेकिंग करनी है। इस पर उसने अपने मालिक से बात करते हुए उन दोनों लोगों को बैग दिखाए। इसी दौरान उसके बैग दोनों से 1 लाख रुपए निकले। जब इसकी जानकारी उससे होती है तो दोनों वहां से निकल गए।
इसके बारे में उसने अपने मालिक को इसके बारे में बताया, जिस पर इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। यानी कहा जा सकता है कि आदर्श आचार संहिता का भी फायदा ऐसे गिरोह उठा रहे हैं जो कि अफसर बनकर लोगों से लूट कर रहे हैं। भाजपा स्टार प्रचारक के रोड शो में घंटों जाम में लोग फंसे रहे, लेकिन पुलिस मुखदर्शक बनी रही। बदायूं पहुंचे भाजपा स्टार प्रचारक और लोकसभा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्या बदायूं सीमा में दाखिल होते ही स्वागत को भीड़ उमड़ गई और घंटों बदायूं बरेली मार्ग पर जाम लग गया। बदायूं लोकसभा से भाजपा से दुर्विजय सिंह शाक्या को प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि इसी वजह से यहाँ पर काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, उनके समर्थक पहुंचे हुए थे और घंटों तक जाम लगा रहा, लेकिन पुलिस सिर्फ और सिर्फ मुखदर्शक बनी रही। करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को एमपी का टिकट दिया है, सांसदी का टिकट दिया है, मेरे जैसे सामान्य किसान परिवार के लड़के को एमपी का टिकट दिया है। तो इस रही बात टक्कर की, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज पूरे देश की जनता का जो जनमानस का भरोसा है, विश्वास है आदरणीय मोदी जी के प्रति, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। जो लोग अपना मुकाबला मान रहे हैं वो मानते रहें। भारतीय जनता पार्टी बदायूं में पिछली बार जीत दर्ज कर इतिहास बदल चुकी है। अलीगढ़ में थाना बरला क्षेत्र में तेज रफ्तार से दौड़ रही मैक्स ने बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरला निवासी जितेंद्र कुमार पुत्र परमल और मनोज कुमार पुत्र तेज सिंह बाइक द्वारा बरला मोड़ से घर जा रहे थे। इस दौरान छर्रा की ओर से तेज रफ्तार दौड़ती आ रही मैक्स ने बाइक सवारों को रौंद दिया। अलीगढ़ के ओजन सिटी का एक पूरा मामला, जहां भारी तादाद में लोगों ने इकट्ठा होकर सांसद प्रत्याशी का विरोध किया है। मुरादाबाद के नारे यहां पर लगाते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि जो हर काम में बाधा डालता हो और दो बार सांसद होने पर भी क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं कर पाए हो, ऐसे सांसद को हम नहीं चाहते हैं और ना हमें ऐसा कोई सांसद चाहिए। इस तरह की बातें यहाँ पर लोग कर रहे हैं। आपने देखा था इससे पहले कुछ तस्वीरें महिलाओं ने भी सोशल मीडिया पर वायरल की थी। अब कुछ लोग यहाँ पर हाथों में ये तख्ती लेकर खड़े हुए हैं और मोदी योगी जिंदाबाद के नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन सांसद को वो पसंद नहीं कर रहे हैं। आज यहाँ पे काफी विशाल भीड़ है और विशाल जो भीड़ दिखाई दे रही है उसका पीछे कारण है कि हमारे अलीगढ़ से तीसरी बार सांसद सतीश गौतम जी को टिकट दी गई है और हम लोग नहीं चाहते कि सांसद सतीश गौतम जी को अलीगढ़ से दोबारा इसको तीसरी बार टिकट दी जाए, क्योंकि उन्होंने का जो ये पिछले 10 साल का कार्यकाल रहा है यहाँ पे लोग काफ़ी परेशान, निराश और काफ़ी दुखी रहे हैं, क्योंकि हम उनके कारणों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। बरेली आवला थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीड़िता के पिता इरफान सैफी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बताया कि गांव के ही कुछ युवकों और युवती द्वारा उनकी नाबालिग बेटी जिसकी उम्र 16 साल है गाँव से ही गाड़ी बिठाकर अपने साथ ले गए। बेटी घर से कुछ सोने के आभूषण और कैश धनराशि भी ले गई है। लोगों की निशानदेही पर थाने जाकर जैसे तैसे मुकदमा पंजीकृत हुआ, मगर हल्का इंचार्ज आरोपी पर मेहरबान है और पीड़ित पक्ष को धमका रहे हैं। काफी दिनों के बाद भी बेटे का कोई सुराग नहीं लग पाया है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। दारोगा जी कह रहे हैं कि चुपचाप घर बैठ जाओ, तुमने झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।